सबसे तेज खबर स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। इकौना इलाके के इकौना बाईपास बीरपुर चौराहे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बुजुर्ग बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरा मामला थाना क्षेत्र इकौना इलाके के बीरपुर मोड़ भिन बाईपास का है, जहाँ पर दिनामगढ़ निवासी 60 वर्षीय धनीराम को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लग गया। मौके पर जमा हुए लोगों ने 108 को इसकी सूचना दी, परंतु काफ़ी देर बीत जाने के बावजूद भी मौके पर 108 नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को ई रिक्शा में लादकर इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग की हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के भिंगा बाईपास से बीरपुर मोड़ जाने वाले मार्ग की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर यह घटना दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे घटी, जब बुजुर्ग बाइक पर सवार होकर जा रहा था, तभी बहराइच की तरफ जा रही एक कार ने उसे तेज टक्कर मार दी, जिसके बाद घटनास्थल से घटना में शामिल वाहन फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी प्रकार से ई रिक्शा के माध्यम से बुजुर्ग को लादकर इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं घटना में बुजुर्ग की बाइक भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकौना इलाके के भिंगा बाईपास तिराहे का मामला है, जहां पर ये टक्कर सामने आई। घटना के बाद भीड़ में मौजूद किसी ने भाग रहे कार के शीशे पर ईंट भी मारी थी, जिसके चलते कार के शीशे भी टूट गए थे। लोगों ने गिलौला पुलिस को सूचना दी थी, जिस पर गिलौला पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लिया। हालांकि बाद में पता चला कि किसी अधिकारी की गाड़ी होने के चलते उस कार को छोड़ दिया गया। लोग एम्बुलेंस से काफ़ी नाराज दिखाई पड़े। उधर से गुजर रहे एक एम्बुलेंस को रोककर उसे भी चार बातें लोगों ने सुनाई। इकौना इलाके के बाईपास का यह पूरा मामला है, जहां पर यह घटना सामने आई, जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ। हालांकि बुजुर्ग को इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहाँ से उन्हें जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर किया गया। घटना के बाद मौके पर तमाम लोगों का काफ़ी देर तक जमावड़ा लगा रहा और लोग बुजुर्ग को इकौना अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का नंबर लगाते हुए दिखाई पड़े, परंतु लोगों को सहायता नहीं मिल पाई। मोनू, ये बाईपास पे भी एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या मामला? मैं जस्ट आ रहा था उधर से, मैंने देखा कि एक गाड़ी वाले ने इनको ठोक के चला गया। एम्बुलेंस आया, अब कम से कम आधा घंटा से एम्बुलेंस वाले को फोन किया है, एम्बुलेंस आई नहीं है। और हम लोगों ने उनको छोटी गाड़ी 3 बैटरी वाली गाड़ी से हम लोगों को बैठा के उनको हॉस्पिटल भेजाया। आपने 112 को मिलाया था फोन? 112 पे 108 नहीं पहुँची आधे घंटे में।